हेलो, गुड मॉर्निंग सर आवाज आ रही है? हेलो, सर एम नॉट एबल टू हियर यू जोएल। वही सर हेलो। हेलो हेलो हाँ, यस, एम आई ऑडिबल नाउ? यस सर ओके, सो इन द प्रीवियस क्लास वी हैड पिक्ड अप वन होमवर्क क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन वाज दिस। इसका तो आंसर 3 मिनट्स आया था। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन इनटू इट्स टू थ्री एक्सटर्नली इंटरनली, एंड योर आंसर इज करेक्ट एज यू हैव शोन द फॉर दिस वन इंटरनली इट विल बी -4/5, 1/5, 27/5, एंड फॉर एक्सटर्नली इट विल बी -8, 17 एंड 3। इस सेम आंसर है यस आपका? सर फाइन, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन, सी हियर, इफ वी आर इन अ थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इफ दिस इज योर ऑरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। अब हर एक्सिस का तो एक्स यस डैश सर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में नीचे जाएगा, तो वाई एक्सिस का नेगेटिव वाई जाएगा एंड पीछे जाएगा तो जेड डैश हो जाएगा। नाउ सी हियर, हियर वी हैव टेकन अ कन्वेंशन। यहाँ पे हम लोग कन्वेंशन ले रहे हैं कि जब राइट साइड जा रहे हैं तो पॉजिटिव ले रहे हैं, लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो निगेटिव ले रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव ले रहे हैं, नीचे जा रहे हैं तो निगेटिव ले रहे हैं, सामने आ रहे हैं तो पॉजिटिव ले रहे हैं, पीछे जा रहे हैं तो निगेटिव ले रहे हैं। बट ये जरूरी नहीं है, आपके जरूरत के हिसाब से आप राइट साइड को निगेटिव ले सकते हो, लेफ्ट साइड को पॉजिटिव ले सकते हो, ले सकते हो। बट हम लोग उतना हम लोग हौच पौच नहीं करेंगे, हम लोग यही कन्वेंशन फॉलो करेंगे। विल फॉलो दिस कन्वेंशन दैट इफ विल गो फॉर राइट विल कंसिडर दिस एज पॉजिटिव, इफ यू गो फॉर अप विल कंसिडर दिस एज पॉजिटिव, एंड इफ समथिंग इज कमिंग आउट सो दैट इज कंसिडर्ड एज टू बी पॉजिटिव। यस इज दिस क्लियर? सर ओके, कैन यू प्लीज गिव मी अ मोमेंट, आई गॉट टू गो। सो दिस इज अ थ्री डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये क्लियर हुआ? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यस सर ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी एक लाइन है, देर इज सम लाइन। अब कोई भी एक लाइन बनाओ, और ये मान के चल रहे हैं कि ये जो लाइन है ना वो ओरिजिन से निकल रहा है, ठीक है। ओरिजिन से निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है, फर्क नहीं पड़ता। हम लोग यस ओरिजिन से निकाल रहे हैं जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, वरना आप इफ यू कैन कंसिडर एनी लाइन से सपोज हियर, ये भी बात हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे, बट अभी क्लैरिटी के लिए आप देखो। सो सपोज देयर इज अ लाइन, और इस लाइन का नाम हम एल दे रहे हैं। अब ये हवा में मान लीजिए, से सपोज आपके पास कोई तीन पेन को उठा लो, ठीक है, कोई तीन पेन उठा लीजिए और इस तरह से उंगली पे ऐसे सजा लो, कर लो कर लो। कोई पेन है आपके पास? तीन पेन यस सर जी, तो तीन पेन को एक हाथ में लेफ्ट हैंड साइड में इस तरह से अरेंज करिए कि एक पेन यस आपका ऊपर में है, एक पेन राइट साइड में, एक पेन आपके तरफ है, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिख रहा होगा, ठीक है। यस सर और एक और चौथा पेन को यू कैन बीच में कहीं पैसे पकड़ लो। चार पेन ले लीजिए और इस तरह से आप अरेंज करिए। यस सर अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा सो कि ये जो है ना वो एक्स एक्सिस के साथ में कुछ एंगल बना रहा है, यस वाई सर एक्सिस के साथ में कुछ एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस के एंगल। 3D में है इसलिए हवा में दिखेगा, ये फिगर में आपको क्लैरिटी नहीं आएगी, पेन
पेन से आपको समझ रहे हो ना कि ये वाला जो पेन है ये सब एक्सिस से कुछ कुछ एंगल बना रहा है। यस सर। तो जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाता है ना उसको हम नाम देते हैं अल्फा, जो वाई एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसको नाम देते हैं बीटा, और जो जेड एक्सिस से एंगल बनती है उसको नाम देते हैं हम लेट्स से सपोज गामा। ठीक है। यस सर। सो यदि अगर इस लाइन का प्रोजेक्शन, सपोज इस लाइन का प्रोजेक्शन हम एक्स एक्सिस पे अगर हम लोग निकाले, सपोज ये अगर मान लो है इस लाइन है, तो यहाँ पे ये वाला पूरा डिस्टेंस क्या है, एक्स होगा ना, यहाँ से यहाँ यस तक सर। एक्स होगा और ये हाँ आपका अल्फा होगा। ठीक है। हाँ यस सर। तो ये एक्स एक्सिस पे मतलब अगर हम प्रोजेक्शन निकालेंगे ना इस पर्टिकुलर लाइन का, तो हम इसका क्या करेंगे, कॉस अल्फा लेंगे। कॉस समझते हो, कॉस कॉस थीटा। कोसाइन। हाँ हाँ सर। तो सपोज थीटा है और ये मान लीजिए लेट्स से दिस इज ओ, दिस इज ए एंड दिस इज बी। सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज कॉस थीटा, आप क्या बोलोगे? कॉस थीटा क्या होता है इस ट्रायंगल में? यस बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सर। सो बेस क्या है आपका, ओ बी। हाइपोटेन्यूज क्या है, ये ओ ए। भी हाँ इसको बेस बोलते हैं, जिस पे वो एंगल बना होता है, जिससे परपेंडिकुलर ऐसे वर्टिकल वाला होता है, इसको क्या परपेंडिकुलर बोलते यस हैं। सर। ये सब पढ़े हो कि नहीं? और ये हाइपोटेन्यूज। सो कॉस थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। फाइन। तो यदि अगर मुझे ओ बी निकालना है, ओ बी अगर निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ओ ए कॉस थीटा करना पड़ेगा। सर। तो यहाँ पे एक्स कंपोनेंट अगर मुझे निकालना है तो इस लाइन का क्या है, कॉस अल्फा करना पड़ेगा। सपोज इसका अगर मान लीजिए 5 यूनिट्स होता, 5 लेंथ होता, तो नीचे क्या हो जाता, 5 cos alpha, है ना। यस सर। अगर 56 होता तो क्या करते, 56 cos alpha नीचे करते। बट यस सर। यहाँ पे अभी फिलहाल हमको उससे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ एक फैक्टर से मतलब है। सो इसीलिए इसको हम लोग कॉस अल्फा बोल रहे हैं। उसी तरह से बीटा, तो वाई एक्सिस का जो कंपोनेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, कॉस बीटा, और जो जेड से बना रहा है उसको क्या बोलेंगे, कॉस गामा। यस समझ में आया? सर। तो एक लाइन हमने लिया है बीच में और एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, जेड एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, तो सबका हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका प्रोजेक्शंस निकाल दे रहे हैं एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे। तो ये जो फैक्टर्स हमने आइडेंटिफाई किया है ना, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इसको ही बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है। सो डायरेक्शन सर। कोसाइंस क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइंस आपका हो गया कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। और इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए कॉस अल्फा को एल बोला जाता है, स्मॉल एल, कॉस बीटा को एम बोला जाता है और कॉस गामा को एन बोला जाता है। तो जब कभी भी आप देखोगे क्वेश्चन में कहीं पे एल एम एन लिखा हुआ है, तो इससे आपको बाय डिफॉल्ट क्या याद रखना है कि एल एम एन आर नथिंग बट द डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है। अब यस देखिए सर। यहाँ पे कि ये सब जो बनाया मैंने तो किसका है, राइट साइड में बनाया है, मतलब यस ये पॉजिटिव में बनाया है ना। तो यदि यस अगर हम सर। इसको पीछे साइड जाएंगे तो निगेटिव में भी बनेगा ना। यस सर। तो ये अगर हम एक्स एक्सिस के निगेटिव अगर जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, माइनस कॉस यस अल्फा। नीचे वाई एक्सिस पे आप जाओगे तो मिलेगा, सर। माइनस माइड पे तो क्या मिलेगा, माइनस कॉस माइनस गामा। तो डायरेक्शन कोसाइंस कितने कितने का सेट हो गया, छः, तीन तीन का सेट हो गया है ना, तो टोटल 6 हो गए। यस सो सर। एक तो पॉजिटिव डायरेक्शन में आप देख रहे हो कि ये सब जो है ये पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए है, यस सर। ये पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए आपको मिल गया कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। निगेटिव डायरेक्शन के लिए एल क्या हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा, एम हो जाएगी माइनस कॉस बीटा और एन हो जाएगी माइनस कॉस गामा। ये किसके लिए, नेगेटिव डायरेक्शन के लिए। इतनी क्लैरिटी आई है? यस सर। तो हम लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो हम लोग जरूरी नहीं कि ये पूरा का छः लेंगे, विल फोकस दिस। एक बार हमने ये निकाल लिया एल एम एन, तो जाहिर सी बात है फिर नेक्स्ट पेयर ऑटोमेटिकली निकलेगा, क्योंकि सब में माइनस 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 लगा दो तो ये। तो जब क्वेश्चन में बोलेगा निगेटिव निकालने के लिए, तब हम नीचे वाला को फोकस करेंगे, वरना डायरेक्शन कोसाइंस बोलेगा तो बस हम एल एम एन ऊपर वाला है वैल्यूज लेकर के आगे बढ़ जाएंगे और हमको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है।
ओके सर। ओके तो ये हो गया डायरेक्शन कोसाइंस, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। सो जब हम लोग इसको एंगल के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसको डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। अब देखिए, सपोज मान लीजिए हियर वी हैव टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स आपके पास ए एंड देन बी। ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। ठीक यस है, सर। मैंने आपको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर बताया था। नहीं सर। ओके, तो पहले वो देख लेते हैं। देखियो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर क्या होता है, कोई भी ट्रायंगल आप बना लो, राइट एंगल्ड बनाओ या कोई भी स्केलन बनाओ, कुछ भी बनाओ फर्क नहीं पड़ता। हम एक ऐसे ही नॉर्मली कोई भी एक ट्रायंगल कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स से इफ यू कंसिडर एनी ट्रायंगल लाइक दिस, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। तो अगर ए से बी की तरफ एरो जा रहा है तो ये कौन सा वेक्टर कहलाएगा, ए बी वेक्टर। अगर ये बी से सी की तरफ जा रहा है तो कौन सा वेक्टर बोलेंगे, बीसी बी सी वेक्टर। ठीक है, तो यस सर। ट्रायंगल लॉ में होता क्या है कि यदि अगर आप ए से बी जा रहे हो ना, बी से सी जा रहे हो, तो तीसरा वाला जो होगा ना वो कंटिन्यूअसली सी से ए नहीं जाएगा, ए से सी जाकर के इसको बंद कर देंगे, अच्छा तो ये बन जाएगा आपका ए सी वेक्टर। तो जो बंद करते हैं ना, जो वाला वेक्टर को, जो वेक्टर बंद कर देता है इस पूरे सीरीज को, उसको क्लोजिंग वेक्टर बोला जाता है। सो दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग वेक्टर। तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में विच वन इज द क्लोजिंग वेक्टर, ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर या ए सी वेक्टर। ऐसे वेक्टर। ओके तो अब अगर ऐसा है ना तो ट्रायंगल लॉ से हम लिख सकते हैं, सो फ्रॉम ट्रायंगल लॉ, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन ये लिखा जा सकता है। देखो इस सीरीज में स्टार्ट हुआ है यहाँ पे ए बी वेक्टर, सो हम लिखेंगे ए बी वेक्टर। फिर ए बी के बाद कहाँ जा रहा है, बी सी, तो हम इसको लिखेंगे बी सी वेक्टर। और इस दोनों का जो समेशन, ये बराबर हो जाएगा क्लोजिंग वेक्टर। क्लोजिंग वेक्टर कौन सा हो गया, ऐसे ए सी वेक्टर। क्लियर हुआ। यस सर। सो सपोज यू हैव सम ट्रायंगल लाइक दिस, यहाँ पे मान लीजिए इस वेक्टर का मैं नाम ए दे रहा हूँ, इस वेक्टर का मैं नाम बी दे रहा हूँ, और इस वेक्टर का नाम लेट्स से हम सी दे रहे हैं। तो इसमें ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलेंगे, क्या वेक्टर प्लस क्या वेक्टर इक्वल टू क्या वेक्टर, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर यहां पे क्या किए, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस इक्वल टू ए सी वेक्टर के। ये हाँ तो यहां पे क्या करेंगे, वेक्टर प्लस सी वेक्टर अरे इक्वल टू बी वेक्टर। तुमको यहां पे साफ साफ नहीं दिख रहा है कि वो क्या रहे हैं, सीरीज में जा रहा है ना, ए से बी गया फिर बी हाँ से सी गया, इस दोनों को ऐड करते हैं और ये बराबर होता है जो उसको क्लोज करता है। यहां पे क्या हाँ हो रहा है, एसी एसी अरे वेक्टर सर। ए बी वेक्टर प्लस एसी वेक्टर यहां पे कहां ए बी ए सी आया है, सॉरी ए वेक्टर हाँ ए वेक्टर, प्लस सी वेक्टर। सी वेक्टर क्यों ऐड कर रहे हो, यहां पे हम क्या किए हैं, ए से बी गए हैं और बी से सी एक डायरेक्शन में गया है ना दोनों, हाँ तो यहां पे ए तो इधर गया है सी इधर गया है, तो ए और सी को क्यों जोड़ रहे हो, चलो बी वेक्टर है। मतलब हम बोले इसीलिए बी वेक्टर, या तुम देख रहे हो फिगर में यस सर। क्या, यस सर, ये यहां से ये गया ना, हाँ फिर इसके कंटिन्यूएशन में इधर भागा है ना, यस सर। तो इसको ऐड करेंगे ना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सर मैंने ये कंफ्यूज हुआ था कि ए और सॉरी सी वेक्टर और बी वेक्टर एक डायरेक्शन में गया है इसलिए सी थोड़ा डाउट। वेक्टर और बी वेक्टर एक डायरेक्शन में गया है, अच्छा कहाँ गया है, एक डायरेक्शन में, ये अलग डायरेक्शन है, ये अलग डायरेक्शन है, ये अलग डायरेक्शन है, ये अलग डायरेक्शन है, सब अलग अलग डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन कब होता है, जब कोई इधर जा रहा है उधर ही जा रहा है तब सेम होता है, ये इसके साइड में जा रहा है तो सेम होता है, इधर जा रहा है तो सेम होता है, इधर जा रहा है तो सेम, पैरेलल होता है तभी सेम डायरेक्शन में रहता है, थोड़ा सा भी अगर इंक्लाइंड रहे तो डायरेक्शन सेम नहीं होता है, तीनों का डायरेक्शन अलग अलग दिख रहा है। ओके सर। अब बताओ यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके बराबर होगा, सी वेक्टर के सी वेक्टर। तो ये किससे लिखे हैं, फ्रॉम
ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट बताइए। से सपोज आपके पास कुछ इस तरह का ट्राइंगल है, मान लीजिए हम इसको ओ बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, आप बताइए तो हम क्या लिखें। आप बहुत तरह से आप लिख सकते हो, अलग अलग तरह के लिख सकते हो, तो बताइए आप क्या लिख सकते हो इसमें, क्या वेक्टर प्लस क्या वेक्टर इक्वल टू क्या वेक्टर। ए बी वेक्टर प्लस बी ओ वेक्टर इक्वल टू ए आप ओ बोल रहे वेक्टर हो कि ए बी वेक्टर प्लस प्लस ए बी ओ वेक्टर बी बी ओ वेक्टर इक्वल टू इक्वल ए ओ टू वेक्टर इक्वल टू इक्वल्स ए ओ टू ए ओ वेक्टर। वेक्टर। ठीक है, एक तो ये कॉम्बिनेशन हो गया, और क्या बना सकते हैं, और क्या कर सकते हैं इसी ट्रायंगल में। बोलो, ओके सर, आपने ए से स्टार्ट किया है, अब कहीं और से स्टार्ट कर लो, या ओके ए से गए इस साइड गए तो ए से इस साइड से चले जाओ, कहीं से कुछ भी कर सकते हो ना, बनाओ ना। ए ओ वेक्टर प्लस ए ओ वेक्टर, प्लस ओ बी वेक्टर सर ओ बी वेक्टर इक्वल टू इक्वल टू ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर। ठीक है, और बनाओ तो, और कुछ बी ओ वेक्टर बी ओ वेक्टर प्लस ओ ए वेक्टर ओ ए वेक्टर। इक्वल टू ए बी वेक्टर। उठा फेंक देंगे, बी ओ इधर गया है, ओ ए इधर जा रहा है, फिर ए बी बी ए उधर ही बी भेज दे रहे हो, तुम तो साइकिल बना दे रहे हो, साइकिल थोड़ी बनाना है, क्लोज बी ए वेक्टर से करना है हाँ ना, तो बी ए वेक्टर। और कुछ और बनेगा, और कुछ ओ ए वेक्टर ओ ए वेक्टर ए बी वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर। इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर। और कुछ बनेगा क्या, ओ बी वेक्टर ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर बी ए वेक्टर इक्वल्स टू ओ ए वेक्टर्स। ओ ए वेक्टर। और कुछ बनेगा क्या, नहीं सर ठीक से देखो बनेगा। बी ए वेक्टर बी ए वेक्टर ए ओ वेक्टर ए ओ वेक्टर इक्वल्स टू बी ओ वेक्टर। बी ओ वेक्टर। और सोचो कुछ, या सारा हो गया कंप्लीट। कंप्लीट सर इतना ही। ए से स्टार्ट किया हमने, तो एक बार ए बी चला जाएगा तो ये बन चुका है मेरा, और एक ए ओ चला जाएगा तो ये भी बन चुका है। ठीक है, बी से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो एक बार हम बी ए के तरफ जाना पड़ेगा, तो बी ए वाला हो गया पार्ट, फिर बी ओ वाला पार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद फिर ओ से स्टार्ट करेंगे तो एक बार ओ ए के तरफ जाएंगे तो ओ ए वेक्टर आना चाहिए, ओ से स्टार्ट करेंगे बी की तरफ जाना तो बी जाना। कंप्लीट हो गया, समझ में आया कि एक ही ट्राइंगल में अलग अलग कैसे हम अलग लगा सकते हैं। यस सर ठीक है, तो ये तो आप ट्राइंगल लॉ आप सीख गए हो। अब देखिए, पोजीशन वेक्टर सिखाए थे, व्हाट इज अ पोजीशन वेक्टर, नहीं सर पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है, से सपोज अभी हम टू डायमें थ्री डायमेंशन में, सपोज मान लो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, ये रहा आपका ओरिजिन। कोई भी सपोज आप मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स वन है, वाई वन है, जेड वन है। ठीक है, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 0, ये होता यस है। सर तो पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं और इस तरह से एरो मारते हैं। पोजीशन वेक्टर कैसे बनाते हैं, ओरिजिन से उस ओरिजिन पर्टिकुलर से पॉइंट पे एरो बनाते हैं। तो ओ पी ये वाला जो वेक्टर है, व्हाट इज दिस, ये वाला जो वेक्टर हमने बनाया है, ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो पोजीशन बता रहा है ना कि पी पॉइंट कहाँ पे है। सो दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स द, इसको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, किसका पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। और ये क्या बताता है,
इट इंडिकेट्स द पोजिशन ऑफ पॉइंट बी, द पोजिशन ऑफ पॉइंट बी, इज दिस क्लियर? फाइन. यस सर। नाउ फॉर फाइंडिंग एनी वेक्टर, से सपोज ओपी वेक्टर अगर आपको निकालना है ना, सपोज मान लीजिए रैंडमली से सपोज सी हियर, इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड ए बी वेक्टर, दीज आर द टू पॉइंट्स, सो सपोज यस आई एम आस्क्ड टू फाइंड ए बी वेक्टर. सो ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे? ए बी वेक्टर निकालने के लिए देखिए, अब क्यों ना, ऑब्वियसली दे विल बी बीइंग रिप्रेजेंटेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक ओरिजिन, कहीं ना कहीं ओरिजिन होगा. यस सर। तो यदि अगर ओरिजिन होगा, अच्छा इसका पोजीशन वेक्टर देखिए, सपोज ये पॉइंट है ना x1 y1 z1, सो हियर दिस ओपी वेक्टर को मैं लिखूंगा x1, इसका सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, x1 है, और इधर इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या है x का, 0 है. तो x1 - 0 i कैप प्लस y1 - 0 j कैप प्लस z1 - 0 k कैप. तो फाइनली पोजीशन वेक्टर और ओपी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप. ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे ये एज सच 0 0 0 लिखने की जरूरत नहीं थी, बट कैसे आया वो लिखने के लिए मैंने दिखाया है. तो यदि अगर मान लो कोई 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट स्पेस में अगर कहीं पे आपका ये पॉइंट है 3 5 7, तो ये अगर पॉइंट सपोज एक्स है तो, और ये ओ है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ओ एक्स वेक्टर क्या होगा? 3 i कैप 3 i कैप, प्लस 5 j कैप 5 j कैप, यस 7 j कैप 7 k कैप, वेरी गुड. अब देखो यहाँ पे, इधर आ जाओ, से सपोज x1 y1 z1 है, ठीक है, तो हमने क्या यस सर। किया, ओरिजिन को ए से कनेक्ट किया है. अब देखो इसी ओरिजिन को हम बी से कनेक्ट कर देते हैं, ये कर देते हैं, ठीक है. अब बताइए हमें निकालना है ए बी वेक्टर, तो यदि अगर मुझे ए बी वेक्टर निकालना है तो हम इसमें ट्राइंगल लॉ लगा सकते हैं ओ ए बी में? बताइए क्या लिखेंगे, इक्वेशन क्या लिखेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल? और भी वेक्टर निकलना है, ए बी वेक्टर सर। हाँ तो पहले ट्राइंगल लॉ वाला इक्वेशन बताइए क्या लिखेंगे. क्या वेक्टर प्लस क्या वेक्टर इक्वल टू क्या वेक्टर, क्या होना चाहिए यहाँ पे? ए एओ वेक्टर ओ वेक्टर, यस सर ओके, ए ओ वेक्टर प्लस प्लस ओबी वेक्टर, ओबी वेक्टर वेक्टर, इक्वल टू एबी वेक्टर। हाँ इक्वल्स टू ए बी वेक्टर, ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सर ओके. तो ए बी वेक्टर अगर मुझे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ए ओ वेक्टर और ओ बी वेक्टर को ऐड करना पड़ेगा, यस सर है ना? यस सर ठीक है, तो इस वाले में यहाँ पे आपका इसका ओरिजिन आपका 0 0 0 दिख रहा है, तो आप मुझे बताओ ए ओ वेक्टर क्या होगा, व्हाट इज ए ओ वेक्टर? x1 i कैप ए ओ वेक्टर पूछ रहा हूं, ओ ए वेक्टर नहीं. सर एओ वेक्टर ab वेक्टर - ob वेक्टर। अरे ये तो लिखा है लेकिन आप एओ वेक्टर इससे निकालो ना, इसका पॉइंट है x1 y1 z1, इसका पॉइंट है 0 0 0, इसका पॉइंट है x2 y2 z2. मैं पूछ रहा हूँ एओ वेक्टर, इस वाले लाइन, ये वाला वेक्टर बताओ, आपको क्या सिखाया, फाइनल माइनस इनिशियल. यस तो यहाँ पे हमने किया ना, इधर ओपी निकालने के लिए क्या किया था, फाइनल कोऑर्डिनेट्स
माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ एक्स वन माइनस जीरो, वाई वन माइनस जीरो, जेड वन माइनस जीरो। तो यहां पे जब ए से ओ की तरफ जा रहे हो, जब आप इधर जा रहे हो, तब क्या लिखोगे? तो 0 - x1। 0 - x1 आई कैप यस सर। प्लस 0 - y1 वाई वन जे कैफ, जे कैप, 0 - j1 कैफ 0 - z1 जे के कैप। सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस एक्स वन आई कैप यस सर। माइनस वाई वन जे कैप माइनस जेड वन के कैप, लिख सकते हैं? यस ठीक सर। है, तो ये तो ए ओ वैक्टर आ गया। अब यहां से आप मुझे को ओ बी वैक्टर बता दीजिए। व्हाट इज ओ बी वैक्टर? इसी डायग्राम से ओ बी वैक्टर चाहिए हमको। x2 - 0 x2 - 0 आई कैप, प्लस y2 - 0 j कैप प्लस j2 - 0 k कैप। सो एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप, ये कहना चाह रहे हो? यस सर। ठीक है, तो अब देखो ए ओ वैक्टर आपके पास है, ओ बी वैक्टर आपके पास है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ए बी वैक्टर निकल जाएगा। यस सर। सो फ्रॉम हियर ए बी वैक्टर बताइए क्या हो जाएगा? आई आई जे जे के वाले सबको एक एक साथ रखते हैं, तो यहाँ पे आई के साथ में क्या है? एक्स टू है, यहाँ पे आई के साथ में माइनस एक्स वन है, तो क्या हो जाएगा? एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस प्लस वाई टू माइनस वाई वन वन जे जे कैप ठीक प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप। है सर। समझ गया कैसे निकला? ओके, तो ये तो मैंने आपको पूरा डेरिवेशन के फॉर्मेट में चीजों को बताया कि हाँ ऐसे ऐसे ट्राइंगल लॉ से इस तरह से करते हैं। अब आपको उतना नहीं करना है, अब आपको डायरेक्टली याद रखना है कि से सपोज अगर मान लीजिए ये पॉइंट अगर ए बी सी है, ये पॉइंट अगर पी क्यू आर है, और ये ए पॉइंट है बी पॉइंट है, तो मैं अगर आपको बोलूं कि ए बी वेक्टर बताओ, तब क्या बोलोगे? डी ए बी वेक्टर p - ab सॉरी p - a माइनस आई आई कैप कैप प्लस माइनस क्यू बी बी जे कैप जे कैप प्लस r - c जे कैप। हेलो। हाँ, तो क्यू माइनस बी और फिर r - c आर माइनस ठीक सी के कैप। ठीक है, सर। बी ए वेक्टर बताइए। a - p आई ए कैप माइनस बी आई कैप प्लस b - q बी j माइनस कैप क्यू जे कैप c - r के कैप। सी माइनस आर के कैप। कोई दिक्कत? नहीं सर। ये आपने वेक्टर निकाल लिया इस तरह से। अच्छा, अब देखो हेडिंग लिखो डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज सिंपल है, सपोज कोई एक लाइन है, इस लाइन का नाम है सपोज एल, एल लाइन है, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन जेड वन, इसका कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू जेड टू। सो द डायरेक्शन रेशियो ऑफ एल ये क्या हो जाएगा? एक्स टू माइनस एक्स वन कॉमा, डायरेक्शन रेशियो हमेशा सेट में आता है, ठीक है? तो पहला एक्स का कोऑर्डिनेट आपका एक्स वाला क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। सो एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन और जेड टू माइनस जेड। तो ये जो तीन सेट आया है ना, इसको हम डायरेक्शन रेशियो बोल रहे हैं लाइन एल का। एग्जाम्पल सपोज एक लाइन है, इस लाइन का नाम हम एल वन बोल रहे हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 2 0 -1 4 2 है, तो आप मुझे बताइए व्हाट इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ एल वन? इस लाइन एल वन का डायरेक्शन रेशियो बताओ। -1 प्लस जे
ठीक है। -2 2 2 -1 ऑफ -1 तो कितना होगा? -2 -2 सर। -2। ठीक है, फिर 4 -2 2 4 -2 2, फिर 2 -0 2 2। तो डायरेक्शन रेशियो ये निकल गया। क्लियर हुआ? यस सर। सो दैट इज द डायरेक्शन रेशियोज। अब देखिए, अब डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज को एक साथ देखते हैं। से सपोज यू हैव गॉट अ पॉइंट ए और एक अनदर पॉइंट है बी। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। सो अब देखो, अगर मैं बोलूं कि डायरेक्शन रेशियोज बताओ ए बी, सपोज ए बी का, आप बी ए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे सपोज हम इस वेक्टर को ए बी वेक्टर कंसिडर कर रहे हैं या ए बी लिख रहे हैं, तो फर्क नहीं पड़ता। बस अंतर है कि ए बी अगर लोगे तो ये फाइनल माइनस इनिशियल ऐसा हो जाएगा, बी ए लोगे तो ये फाइनल और ये इनिशियल हो जाएगा, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जी अगर हम बोल रहे हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी बताइए, बताइए सर। -X1 आई कैप x2 - x1। Y2 -Y1 यस, Z2 -Z1 z1। ठीक है, तो अब देखो डायरेक्शन को, तब आप क्या करोगे, इस डायरेक्शन रेशियो जो x2 - x1 है साथ में, सो a1, z2 - z1, इसको आप डिवाइड कर दोगे मॉड ऑफ ए बी वेक्टर। क्लियर हुआ? यस सर। और इसी को हम लोग बोलेंगे कॉस अल्फा, इसी को बोलेंगे कॉस बीटा, और इसी को बोलेंगे कॉस गामा। और कॉस अल्फा है तो उसको हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको एम से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको एन से रिप्रेजेंट करेंगे। और डायरेक्शन रेशियोज जो है, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे सी से रिप्रेजेंट करते हैं, बस ऐसे नोटेशन के लिए। अब क्वेश्चन में हो सकता है कि डायरेक्शन कोसाइन आपको बोल दिया हो कि ए बी सी ले लो, तो उस समय के लिए हम डायरेक्शन कोसाइन को ए बी सी लेंगे, और आपको बोला डायरेक्शन रेशियो एल एम एन ले लो, तो हम उससे पलटा पलटी कर सकते हैं। लेकिन जब तक नहीं बोलेगा तब तक बाय डिफॉल्ट हम ये मानेंगे कि एल का मतलब डायरेक्शन कोसाइन है, एम का मतलब डायरेक्शन कोसाइन है, एन का मतलब डायरेक्शन कोसाइन है, ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज है। ये क्लियर हुआ? यस सो दिस वाज द होल थिंग अबाउट योर डायरेक्शन। मैं शॉर्ट में लिखा हूँ डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस, लेकिन यस एग्जाम में सर। आप शॉर्ट में नहीं लिखिएगा वरना नंबर काट देगा। आपको पूरा लिखना है कि डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये मैंने ए बी वेक्टर के लिए बताया। अब देखो इसी चीज में अगर मैं आपको बोलूं कि टेल मी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी ए वेक्टर, तो बताओ X1 -X2 x1 - x2, Y1 -Y2 y1 - y2, Z1 -Z2 ओके। और डायरेक्शन कोसाइंस अगर हम पूछे तो बी ए वेक्टर का, X1 -X2 डिवाइड बाई एक्स वन मॉड माइनस एक्स टू बाय मॉड ऑफ ऑफ बी ए वेक्टर बी ए वेक्टर, y1 - y2 बाय Y2 मॉड ऑफ मॉड ऑफ बी बी ए ए वेक्टर वेक्टर, और z1 - z2 बाय मॉड ऑफ बी ए वेक्टर बी ए वेक्टर। यही कॉस अल्फा है, यही कॉस बीटा है, यही कॉस गामा है। ठीक है, यस सर। ओके। अब देखो नोट करके लिखे, अगर एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस, कोसाइंस ऑफ अ लाइन, अगर एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन सपोज एल एम एन है, तब क्या हम बोल सकते हैं कि -L -M -N ये भी डायरेक्शन कोसाइंस होगा?
उसी लाइन का, क्योंकि हाँ आपको हम दिखाए कि पॉजिटिव डायरेक्शन वाला जो होता है वो ये होता है, नेगेटिव डायरेक्शन वाला ये होता है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना। यस सर, ठीक है, अब देखिए ये पहला नोट पॉइंट है। दूसरा नोट पॉइंट है कि ये इसको आप ऐड करोगे एल स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर करोगे और इसका स्क्वायर करोगे तो ये हमेशा वन आएगा। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये करोगे तो क्या आएगा, वन दिस शुड ऑलवेज कम वन। अब ये आपका होमवर्क है कि इसको, इसका प्रूफ आप देख के आओगे कैसे हुआ, हाउ। ठीक है, यस सर, यस सर, सो आप प्रूफ देखिएगा, आप यूट्यूब में भी सीख लीजिएगा या आप किताब में होगा तो देख के आएगा। नेक्स्ट क्लास में आप मुझे ये पढ़ाएंगे कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू वन कैसे होता है। ठीक है, ओके सर, ओके। तीसरा, अब डायरेक्शन रेशियो, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। अब देखो हमने क्या बोला कि डायरेक्शन रेशियोज को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, ए बी सी से। डायरेक्शन कोसाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, एल एम एन से। सो रिश्ता ये होता है कि एनी थ्री नंबर्स, एनी थ्री नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू, विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। मतलब कोई भी तीन नंबर जो डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल हो, प्रोपोर्शनल कहने का मतलब उसका सम टाइम्स हो। जैसे ए जो है ना वे समथिंग टाइम्स एल होना चाहिए। जैसे एल अगर टू है तो ए आपका टू भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, सिक्स भी हो सकता है, 1/2 टाइम्स हो सकता है, 1/3 टाइम्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब एल का कुछ फैक्टर होना चाहिए, समझ में आ रहा है। यस सर, तो ए इज इक्वल टू एल लैम्डा, ये याद रखेंगे। बी इज इक्वल टू लैम्डा एम और सी इज इक्वल टू लैम्डा एन, ये रिलेशन याद रहेगा। अगर मान लेते हैं लैम्डा की वैल्यू अगर सपोज वन ले लेंगे तब क्या होगा, इक्वल टू ए इज इक्वल टू एल हो सकता है, यस सर, बी इज इक्वल टू एम हो सकता है और सी इज इक्वल टू एन हो सकता है, मतलब हो ही सकता है। यस सर, तो हम बोल सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू वन के लिए हमें दिख रहा है कि जो डायरेक्शन रेशियोज है वो डायरेक्शन कोसाइंस भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ना। यस सर, तो हम बोल सकते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन आर ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ, आर ऑल्सो द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। तो एक तरह से हम डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज सेम भी हो सकते हैं, उसी को हम बोल सकते हैं, है कि नहीं। हाँ, यस सर, अच्छा, ये आपका कितना पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। देखो मान लीजिए एक एक पॉइंट है ए और ये बी, ए का कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन जेड वन, बी का कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू जेड टू। आप मुझे बताइए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी। डायरेक्शन रेशियो जो वे भी सर, शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, बोलिए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, -X1, एक्स टू माइनस एक्स वन, Y2 -Y1, यस, Z2 -Z1। जेड टू माइनस जेड वन। तो यहां पे हमने क्या देखा है कि जो डायरेक्शन रेशियोज है वो डायरेक्शन कोसाइंस का प्रोपोर्शनल होता है, तो हम इसका बोल सकते हैं कि इसका जो डायरेक्शन
रेशियोज है ये, इसका प्रोपोर्शनल होगा। रिलेशन लिख ही सकते हैं, कोई किसी का भी टाइम्स हो सकता है। फिफ्थ नंबर, अगर ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन, अगर मान लीजिए ए बी सी एक लाइन का डायरेक्शन रेशियोज है, तो के टाइम्स ए, के टाइम्स बी, के टाइम्स सी, क्या इस ये भी डायरेक्शन रेशियोज होगा उस लाइन का? आर ऑल्सो कैसा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दैट लाइन वेयर के इज अ नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर। इज दिस क्लियर? कैसा ठीक है, अब देखिए, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियोज बताना है। तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे? अगर हमको सिर्फ एक्स एक्सिस पे, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है? तो इफ आई एम ओनली ऑन एक्स एक्सिस, तो अगर मैं सिर्फ एक्स एक्सिस पे हूँ, सो सपोज सिर्फ एक्स एक्सिस पे, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर ए जीरो जीरो, यही होगा ना? ये सर। हाँ क्यों होगा, क्या ये जस्टिफाई करो, क्यों होगा ये? हाँ ये है ना, एक्स एक्सिस का वैल्यू है, दूसरा ओके, और वाई जीरो जीरो, दूसरा जीरो जीरो क्यों किए हैं? 0 0 है, वाई का वैल्यू 0 और जेड का वैल्यू 0। ओके, तो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट है वो जीरो 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 ही होता है, ये सर। ठीक है? अब वाई एक्सिस पे सपोज मान लो आप यहाँ पे हो, ये ब्लू वाली लाइन वाई एक्सिस पे, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेट से ये अगर मान लीजिए बी यूनिट से, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बी है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए था, तो हम इस तरह से लिख दिए। अब ये अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बी है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? B00, अरे B,00। नो, वाई बीच में आता है ना, कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहले एक्स होता है, फिर वाई होता है, फिर जेड होता है। हाँ, 0, जीरो, कोमा हाँ B,00। ओके। अब मान लो से सपोज यहां से ये एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट अगर मान लीजिए ये सी यूनिट से, तब क्या कोऑर्डिनेट होगा? 0,03। यस 0 0 C, क्लियर हुआ? सर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सबका कोऑर्डिनेट्स पता है, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्स एक्सिस बताइए। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियोज बताओ। एक्स एक्सिस ये तीनों पॉइंट से तो कैसे करो? अरे तो एक्स एक्सिस ही देखो ना, खाली एक्स एक्सिस जब देख रहे हो तो वाई और जेड नहीं देखना है हमें। अच्छा, 0 माइनस है। क्या बक रहे हो तुम, फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, स्टार्ट हाँ कहाँ से हुआ था? ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था ना, फिर हाँ इधर जा रहे हो, वो जीरो माइनस है, वो भी सही बोल रहे हो, लेकिन वो कौन से लाइन का होगा? इधर का, पीछे का ना, नेगेटिव वाला होगा, समझ रहे हो? हाँ यस सर। हाँ, तो अभी तो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हैं, तो उसका डायरेक्शन रेशियो बोलो। A-0 हाँ, तो ए माइनस जीरो क्या होता है? ए हो गया, A 0-0 0 होगा। समझ में आया? एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो, ठीक यस सर। है। और वाई एक्सिस का बताइए, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वाई एक्सिस। एक्सिस 0,B,0। जीरो बी जीरो, और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ जेड एक्सिस 0,0C। जीरो जीरो सी, कोई दिक्कत? नहीं सर। तो यदि अगर मेरे को से सपोज डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है, तो क्या हम उसका डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं?
ना। सर। और यदि अगर डायरेक्शन कोसाइन दिया है तो डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं, वी कैन डू गो अदर वे राउंड, कर सकते हैं। ठीक है, यस अब एक लास्ट पॉइंट है। मान लीजिए एक लाइन है, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज से सपोज ए बी सी है, और डायरेक्शन कोसाइंस मान लेते हैं एल एम एन है, तो दोनों में रिलेशन क्या है? ए इज इक्वल टू क्या होता है? इक्वल टू एम लैम्डा एल। लैम्डा एल बी इज इक्वल टू लैम्डा एम लैम्डा एम। सी इज इक्वल इक्वल टू टू, लैम्डा एन। ठीक है, अब यहां से एल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एल इज इक्वल टू ए बाय लैम्डा यस सर। को भी। हाँ, आवाज आ रही है कि नहीं? यस सर आ रही। एम इज इक्वल टू क्या होगा? एम इज इक्वल टू बी पाई लैम्डा। एन इज इक्वल टू, एन इज इक्वल टू एन बाई लंबडा। एन इज इक्वल टू एन बाय लैम्डा। सी बाई लंबडा सी 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 बाय लैम्डा, ओके। और हम लोग ये रिलेशन जानते हैं, वी नो दैट कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? वन 1 होती है। अब इसमें बैठा दो तो एल के जगह पे इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर, सी स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लैम्डा स्क्वायर नीचे में कॉमन आ जाएगा, यस सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या हम इसको लैम्डा स्क्वायर लिख सकते हैं? और यहां से लैम्डा को क्या हम लिख सकते हैं? प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब लैम्डा की तो कितनी वैल्यूज आ गई? दो वैल्यूज आ गई, तो एल की दो दो वैल्यूज आएगी। देखो, यस एक प्लस लैम्डा के लिए और एक माइनस लैम्डा के लिए, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव लैम्डा के लिए, एक नेगेटिव लैम्डा के लिए, यहाँ पे भी पॉजिटिव लैम्डा के लिए और एक नेगेटिव लैम्डा के लिए। सर। तो डायरेक्शन कोसाइन कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव। इज दिस क्लियर? यस सर। तो अगर मैं बोलूं कि डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ अ लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर ए बी सी, ये देख रहे हैं कि मतलब कोई एक लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ अ लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर ए बी सी, मान लीजिए एक लाइन है इसका डायरेक्शन रेशियोज अगर ए बी सी है तो डायरेक्शन कोसाइन्स क्या क्या हो जाएगा बताइए? लैम्डा के टर्म्स एल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एक तो होगा ए डिवाइडेड बाय रूट, ठीक है, यस और निगेटिव डायरेक्शन का क्या हो जाएगा? माइनस ए बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कोई दिक्कत? सर। फिर एम बताओ, एम इज इक्वल टू बी बाय रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या फिर एम इज इक्वल टू निगेटिव डायरेक्शन का, या माइनस था तो ऊपर भी लिख सकते हो माइनस, कोई बात नहीं। सो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सर। उसी तरह से सी, अगर एन एन लिखना हो तो सी बाय सी वाई ए एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस बी सी बाय माइनस बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? सर। ठीक है, अब एक होमवर्क बना के लेके आएगा। तो देखो, डायरेक्शन कोसाइंस जब रहेगा निकालने के लिए तो एंगल के टर्म्स में जब दिया रहा, तो एल क्या होता है? कॉस अल्फा। एम क्या होता है? कॉस बीटा। एन यस क्या होता है? कॉस सर। गामा होता है। और यदि अगर डायरेक्शन रेशियोज के टर्म्स में अगर रहेगा, मतलब एंगल मतलब अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में अगर रहेगा तो एल एम एन ऐसे निकलेगा। डायरेक्शन रेशियोज अगर ए बी सी के टर्म्स में रहेगा तब सीखे हम लोग एल इज इक्वल टू क्या होता है? ए बाय रूट, समझ? एम इज इक्वल टू बी बाय रूट समेशन बी स्क्वायर, एन इज इक्वल टू सी बाय रूट समेशन सी स्क्वायर।
अब देखो यहाँ पे होगा कि सर आप यहाँ समेशन ए स्क्वायर लिख रहे हैं, समेशन बी स्क्वायर लिख रहे हैं, समेशन सी स्क्वायर लिख रहे हैं, क्या है? या सपोज तीनों तो सेम ही होता है, तो समेशन ए स्क्वायर हम क्यों लिख रहे हैं सब जगह? यहाँ पे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है ना, तो हम समेशन ए स्क्वायर लिख रहे हैं, बताओ क्यों? वे इसके जो इसका रेशियो था हाँ उसका सम कर दिया है। अच्छा, तो देखो ये शॉर्ट में लिखने का तरीका है। जैसे अगर मान लो कहीं पे लिखा रहता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, इस तरह से ऐसे ऐसे करके अगर कुछ लिखा रहता है, तो इसी चीज को हम क्या करते हैं ना, समेशन कर देते हैं। और हमको कि देखो सब एक जैसा है ना, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर सबका स्क्वायर है, ठीक? तो जैसे इसको आप क्या लिख सकते हो, किसी कुछ भी समेशन बी स्क्वायर लिख सकते हो, समेशन ए स्क्वायर लिख सकते हो, समेशन सी स्क्वायर लिख सकते हो, समेशन डी स्क्वायर लिख सकते हो, तो शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? तो जनरली हम लोग जो फॉलो करते हैं कि पहला जो होता है ना उसी को उठा लेते हैं, तो समेशन ए स्क्वायर। बट ये जरूरी नहीं कि अगर हम इसको समेशन बी स्क्वायर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, समेशन सी स्क्वायर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं। तो हम लोग जनरली फर्स्ट वाला फॉलो करते हैं, तो ये ध्यान रखते हैं कि अगर कुछ रहता है तो इसको शॉर्ट में समेशन ए स्क्वायर। अब हर बार कौन लिखेगा इतना ए स्क्वायर बी स्क्वायर, उतना पांच पांच टर्म कौन लिखेगा बार बार, है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो यहाँ शॉर्ट में हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर रूट है ना, तो रूट रहेगा, रूट का तो कोई चेंज नहीं किया। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, इसको शॉर्ट में क्या कर दिया, समेशन ए स्क्वायर, तो शॉर्ट में हम ऐसे लिख दिए। क्लियर हुआ? जाते जाते एक होमवर्क बना लीजिएगा, सो आई एम गिविंग वन क्वेश्चन, आप सॉल्व कर लीजिएगा। इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। ये बनाना। दूसरा क्वेश्चन, इफ अ लाइन इन एक्स जेड प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, देन फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। कॉन्सेप्ट आज का समझिएगा, सीखिएगा और द इसको सॉल्व कीजिएगा। ओके सर, ठीक है सर, ओके, बाय, गुड नाइट। बाय।